नमस्कार। आपको आज केंद्रीय विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी संबोधित करेंगे। हमारे मीडिया प्रमुख श्री अनिल वलूनी जी भी हैं। मेरा सादर आग्रह है श्री रविशंकर प्रसाद जी से आपको संबोधित करें। मित्रों नमस्ते। मैं केरला में था दो दिन, जो वहां पर सीपीएम के हत्या और वायलेंस के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो तिसूर में मैं था और मेरे साथ स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। आपको मालूम है कि केरला हमारे लिए अभी तक इलेक्टोरली बहुत सफल प्रदेश नहीं रहा है। इसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक जितनी हिम्मत से वहां संघर्ष करते हैं कन्नूर में और बाकी में, कितने दलित हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, लगभग 200 लोग मारे गए हैं। और केरला की एक कहानी आपको याद रखनी चाहिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक तो मारे ही गए हैं, लेकिन कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं हुई हैं। और मुझे केरला में एक बहुत ही रोचक बात मालूम हुई कि सीपीआई के एक सेक्रेटरी के ऊपर कन्नूर में हमला हुआ, क्योंकि वो शायद अपनी इंडिपेंडेंट लाइन लेकर चलने की कोशिश कर रहा था। और एक मिस्टर चंद्रशेखरन, ही स्प्लिट फ्रॉम द सीपीएम और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी, तो उनकी भी हत्या कर दी गई, 52 उनको स्टैब इंजरीज थी। सीपीएम की पॉलिटिक्स में बेसिक सोच क्या है? जो हमारा विरोध करेगा उसको हम हिंसा से रोकेंगे। द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ सीपीएम इन पर्टिकुलर इज वन हु इज अपोज टू आवर आइडियोलॉजी ही विल बी कंटेन्ड थ्रू वायलेंस एंड अटैक। अगर भाजपा देश के 70% प्रदेशों पर राज करती है और भारत सरकार में राज करती है, तो केरला में भी कमल को खिलने का अधिकार है। कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा ये केरला की जनता तय करेगी। आपने देखा होगा हमें 15% वोट मिला और म्युनिसिपैलिटी में भी हम पालघाट में जीते। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि मुझे दिल्ली के अपने पत्रकार मित्रों को बताना जरूरी था, लगभग 6-7 किलोमीटर हम लोग चले तिसूर टाउन में और ऑलमोस्ट फॉर 4-5 किलोमीटर्स लंबा वो जुलूस था, ठीक, और दोनों तरफ लोग खड़े थे। केरला में अपने पुराने समय से घूमता रहा हूं, लेकिन केरला में जनता का उत्साह देके बहुत ही प्रसन्नता लगी। आज वहां लेफ्ट की सरकार है, लेफ्ट पावर में है, सीपीएम पावर में है, और पिनराई विजन का गांव है पिनराई, तो यह उनका नैतिक दायित्व है कि हिंसा समाप्त होनी चाहिए। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 14 लोग मरे, 14 पीपल हैव बीन किल्ड। मित्रों, मैं आज आपसे विस्तार से बात करने का मूड था, क्योंकि कल मैं विदेश जा रहा हूं कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में। कल मेरे पटना विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो रहे हैं, मैं वहां रहूंगा, फिर शाम में निकल जाऊंगा। तो आज बातचीत हुई तो हमने कहा एक बात केरला का अनुभव अपने दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताना चाहिए। लेकिन केरला में एक और दुर्घटना हो गई है। ओमन चंडी साहब के खिलाफ जो कमीशन उन्होंने बिठाया था उसने उनको गिल्टी पाया है सोलर स्कैम में। देखिए, ये जो कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी जो हुई थी, आई विल जस्ट टेल यू द नेम ऑफ द जज हु हेल्ड द इंक्वायरी, जिसको ये पूरा उनके जस्टिस जी शिवराजन कमीशन, जस्टिस जी शिवराजन कमीशन, दिस वॉज सेटअप बाय मिस्टर ओमन चांडी। आपको एक कहानी मालूम होगी कि पूरा केरला का सचिवालय घेरा गया था, उन्होंने घोषणा की थी। तो जो कमीशन उन्होंने बनाया उस कमीशन ने उनको दोषी पाया, भ्रष्टाचार का आरोपी पाया,
और कई कांग्रेस के उनके मित्र नेता और बाकी लोग को सोलर स्कैम में दोषी पाया है। हम चाहेंगे इसकी जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट और यूडीएफ एलडीएफ का एक हिडन अंडरस्टैंडिंग भी रहता है वहां की पॉलिटिक्स में। इसलिए आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर से मांग करते हैं कि ओमेन चांडी, उनके मंत्री और सोलर स्कैम में फंसे सारे लोगों के खिलाफ ईमानदारी से सख्त जांच होनी चाहिए। द बीजेपी डिमांड्स दैट इन द सोलर स्कैम ए प्रॉपर फेयर एंड टाइम बाउंड विजिलेंस इंक्वायरी बी डन फॉर द रोल इन करप्शन इन दैट केस। मित्रों, मुझे एक पत्रकार मित्र ने एक बात कही थी सोलर स्कैम के बारे में, मुझे ध्यान आता है कि पृथ्वी में पंच तत्व होते हैं। मैंने संसद में भी इसका जिक्र किया था और आज इसको रिपीट करना चाहूंगा। तो जो पंच तत्व है उसमें वायु है, उसमें पृथ्वी है, उसमें जल है, उसमें अग्नि है। तो यूपीए की सरकार में पंच तत्व के हर तत्व में भ्रष्टाचार हुआ था। वायु में स्पेक्ट्रम हुआ था 2G, इस विभाग को मुझे देखने का मौका मिला था। जमीन पर कॉमनवेल्थ हुआ था और आदर्श घोटाला हुआ था। अब पाताल पंच तत्व में है या नहीं वो चर्चा का विषय है, लेकिन पाताल में कोयला घोटाला हुआ था, आकाश में हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ था, अभी भी चल रहा है, और जल में सबमरीन घोटाला हुआ था। तो मैंने पूछा अग्नि छूट रही है तो सोलर स्कैम सामने आया। केरला की सरकार ने सोलर इज आफ्टर ऑल सनलाइट पावर। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में पंच तत्व में किसी तत्व को नहीं छोड़ा। हमारी चिंता का कारण यह है कि हमें सत्ता में शासन में आए 3 साल हो गए, हमारे खिलाफ तो कोई आरोप नहीं है, लेकिन पुराने अभी उन्हीं के हिसाब किताब चल रहे हैं। और यूपीए का हिसाब किताब कब तक चलेगा कांग्रेस पार्टी का, यह बताना भी, ये सवाल उठाना जरूरी है। अभी मुझे बदूनी बता रहे थे कि उत्तराखंड में भी कोई बड़ा स्कैम जल्दी आने वाला है उनकी सरकार का। आ गया 600 करोड़ है, छोटी राशि है कांग्रेस के हिसाब से, लेकिन वो भी सामने आ गई है। देश के भ्रष्टाचार को सुनियोजित रूप से आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। टेकिंग मेजर्स अगेंस्ट करप्शन हैज नेवर बीन ए पार्ट ऑफ द डीएनए ऑफ कांग्रेस। मनमोहन सिंह के बारे में हम लोग बहुत बातें बोलते रहे हैं और सही बोलते रहे, लेकिन सोनिया गांधी अपनी पार्टी के एक छत्र नेता हैं और राहुल गांधी हैं। क्या इन लोगों ने कभी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की कोई कार्रवाई की क्या? लेटेस्ट इज सोलर स्कैम। द होल डीएनए ऑफ कांग्रेस हैज बीन रीकिंग ऑफ करप्शन। कांग्रेस पार्टी के व्यक्तित्व का पूरा जो अस्तर है वो भ्रष्टाचार से प्रभावित रहा है, उसका अंग रहा है। ये दिक्कत है। मित्रों, एक दूसरी बात मुझे कहनी है कि आज मैं देख रहा हूं कांग्रेस की ओर से कुछ सवाल उठाए गए हैं कि गुजरात के चुनाव की घोषणा क्यों नहीं हो रही है, उसका डेट। हमने थोड़ा स्टडी किया ऑफ द रेस्पेक्टिव डेट बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो खाली आपको मैं इतना बता दूं कि 2007 में जो हमने जानने की कोशिश की, हिमाचल प्रदेश का चुनाव का डेट था पहला 20th of October 2007 एंड गुजरात का था द फर्स्ट फेज वॉज 21/11/2007। तो आप देख रहे हैं एक महीने से अधिक अंतर रहता है। 2012 में
गुजरात के चुनाव का जो पहला फेज था वो था 17/11/2012 और हिमाचल का था 10 अक्टूबर 2012। अब 7 और 12 में इस देश में किसकी सरकार थी आपको बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी से मुझे एक बात कहना है, आइए गुजरात में लेट अस फाइट प्रॉपरली इन गुजरात इफ यू हैव एनी इश्यूज। लेकिन ये जो मिसलेनियस तरीके से बातें उठाई जाती हैं चुनाव आयोग के ऊपर, कभी सीएजी के ऊपर, एक आध फैसले आए थे जब अफजल गुरु के बाकी तो उनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी की, तो दिस अनकॉल्ड फॉर रिफ्लेक्शंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विदाउट एनी बेसिस, आई थॉट आई नीड टू क्लैरिफाई दैट। वैसे आजकल मुझे बहुत कौतूहल भी हो रहा है, जिस प्रामाणिकता से राहुल गांधी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं तो ईश्वर के प्रति उनकी आस्था हमें बहुत कौतूहल दे रही है। लेकिन जब मैं गुजरात के भी 2 दिन के दौरे पर था, इसीलिए बहुत दिन से आपसे मिलना नहीं हुआ था, जब दौरे बहुत चल रहे हैं हम लोग के, तो मुझे बताया गया कि कई जगह वहां के सोशल मीडिया में दिखाया गया कि आरती कैसे की जाए, ये भी उनको कांग्रेस नेता बता रहे थे। तो अच्छा है गुजरात में उनका प्रभु के दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी उनको शुभकामनाएं। लेकिन राहुल गांधी जी, प्रभु के दर्शन से वोट नहीं मिलता, वोट मिलता है काम से। और गुजरात में आपकी सरकार ने क्या क्या किया है यह भी जानना जरूरी है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी हल्की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की थी, ये पूरे सरदार सरोवर मामले में मैं वकील भी रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी की पूरी कांग्रेस पार्टी का पूरा षड्यंत्र था कि सरदार सरोवर के डैम से पानी निकलने में जितनी कठिनाई हो पैदा करो, चाहे वो हाइट का विषय हो चाहे बाकी विषय हो, क्योंकि कांग्रेस विकास की बात कर रही है इसलिए मैं उठा रहा हूं। मैंने जबलपुर हाईकोर्ट में जाके कई मामले बहस किए, सुप्रीम कोर्ट में बहस किए, वहां चूंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो वहां कठिनाई में पड़ो, इंदिरा सागर डैम, ओंकारेश्वर डैम, यहां ये सब सरदार सरोवर से जुड़े हुए डैम नर्मदा के ऊपर है, और गुजरात में तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे। तो जिस गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता थी, वहां पर कांग्रेस की सरकार ने विशुद्ध राजनीतिक कारणों से विकास को रोकने की कोशिश की थी। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन केस करे उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, वो तो उनका काम है, बट द गवर्नमेंट ऑफ यूपीए डिड एवरीथिंग टू इंश्योर दैट सरदार सरोवर डैम्स डज नॉट गेट कंप्लीशन और ऑब्जेक्शंस आर बीइंग रेज्ड अननेसेसरली, दिस आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो आज राहुल गांधी जी, आप जरूर पूजा करें, आरती करें, थोड़ा आप भजन भी गाना शुरू करें तो और अच्छा लगेगा, लेकिन आपसे हिसाब पूछा जाएगा आपके काम का, और ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। राहुल गांधी जी दुष्यंत कुमार को कितना जानते हैं ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं दुष्यंत कुमार का प्रेमी आदमी हूं। यहां दरख्तों के साए में धूप खिलती है दोस्त, चलो कहीं और चलें। यह है दुष्यंत कुमार। तो राहुल गांधी जी, अब आप शेरो शायरी पे आ रहे हैं, यह भी आपका नया स्वरूप है, लेकिन दुष्यंत कुमार के बारे में आप कितना जानते हैं यह भी देश जानना चाहता है। भूख कितना कांग्रेस पार्टी के 55 साल में हिंदुस्तान के लोग भूखे रहे यह भी देश पूछेगा। Well, I'm surely speaking from the BJP platform, but as a law minister, you need to understand, I should not comment upon sub judice matter. Rajiv Ganjan.
I hope you need to understand our greatest respect to the President of India, but the President of India was reflecting upon the tradition of Kerala. And what is the tradition of Kerala? God's own country, the land of Shankaracharya, the land of Narayan Guru, the land of nurses, the land of scientists, the land of intellectual tradition of curiosity and research, both scientific, philosophical and metaphysical. That he was referring about. और अब मैं इसके आगे सवाल पूछूंगा, क्या सीपीएम के लोग अपने प्रदेश की इस परंपरा से वाकिफ हैं कि जहां आपके विचारों का विरोध करने के कारण आपकी हत्या होती है? शंकराचार्य ने क्या कहा था? पूरे देश में घूमे थे, विवाद किया था? नारायण गुरु ने क्या कहा था? सारे समाज के लोगों को जोड़ना है, यह है केरल की परंपरा। As far as Shashi Tharoor is concerned, he very frequently shoots from his mouth. Okay, therefore I will not comment upon him. But just a minute. But I am deeply distressed over Mr. Chidambaram lending his name. Chidambaram has been a Home Minister of India in the past, and I think he needs to recall that in the wake of Mumbai attack, Mr. Shiraj Patil was replaced because of inept handling and he was made the in charge. How can he be completely oblivious to the challenges which India faces for its own security? That's the issue. Kya rajneetik dabao ke karan Chidambaram aur Congress ke log Bharat ki suraksha par jo khatra hai gambhirta se isko bhi andekha karenge? Ye bade sawal hai. That I will have to check on facts. I just saw the headline. Then I will. Something on the firecracker ban and in the wake of Punjab, Haryana High Court saying that they have relaxed. The same reply what I told to Payal, the law minister should not speak upon sub judice matters. देखिए आपकी जानकारी के लिए, अगर आप मुझे यहां कवर, मैं पहले पार्टी का प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता रहा हूं, लंबे समय तक यहां इसी मंच से बातचीत करता रहा हूं, मैं शत्रुघ्न सिन्हा की टिप्पणियों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की थी और आज भी नहीं करूंगा। पूर्णिमा जोशी, you have asked many questions, Purnima, but let me reply. What about the personal rivalry between Mr. Prakash Karat and Sitaram Yechury? This is the counter question I have to ask. I'm sorry I'm asking a personal question, but I will have to ask, how was his bid to come in the Raj Sabha was scuttled? Okay. No, I'm now coming to that. As far as that allegation is, it is not diversionary at all. The killing of political opponent of CPM is a matter of fact, including in the own hometown and home village of Mr. Pinrai Vijayan. And this does not extend to BJP and RSS, it extends to many other political parties, as I said. क्या कोई पाबंदी है क्या? तो फिर आपकी जानकारी ठीक है, आपने एक मुझे इस बात का, मैं अब हिंदी में उत्तर दे रहा हूं। जब पिनराई विजयन की सरकार बनी थी तो अध्यक्ष जी के आदेश से मैं तिरुवनंतपुरम गया था और उनको मुख्यमंत्री बने 10 दिन हुआ था
और चूंकि वो पिनराई से हैं, मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारी पार्टी ने एक धरना किया था सचिवालय के सामने, मैं भी था, हमारे हाथ कटे हुए, लिम उड़े हुए, हमारे कार्यकर्ता आए थे, और हमने अपील की थी कि मुख्यमंत्री जी हम आपसे उम्मीद करेंगे हिंसा थमेगी। आपको याद होगा अरुण जेटली भी गए थे, वहां भी उन्होंने अपील किया था। अगर उसके बाद भी हिंसा नहीं थमी तो देश का बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता केरला के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, ये हम कहना चाहते हैं। वेल दैट इज इज एलिगेशन, वी कंप्लीटली डिनाई इट। आई अंडरस्टैंड हाउ मच मिस्टर येचुरी हिमसेल्फ इज कंफर्टेबल इन केरला, बट दैट इज इंटरनल प्रॉब्लम। बट दिस डाइवर्शनरी पार्ट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इकोनॉमी इज थ्राइविंग, विल थ्राइव। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज स्पोकन अ लॉट, द प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन अ लॉट, एंड टुडेज disclosure of index of industrial production by itself is an indication of that. That's all. आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, हर टिप्पणी को समझते हैं आप। क्या उन्होंने कभी यह कहा कि बिना जनता के आशीर्वाद से आएगा? स्वाभाविक है, आज हमारा वहां व्यक्तित्व बढ़ रहा है, हमारा जनसमर्थन बढ़ रहा है। और मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा कि कितने हजारों लंबे समय तक 5 किलोमीटर तक लोग खड़े थे, तो वो ठीक है। और हम जहां भी आए जनता के आशीर्वाद से ही आए हैं, और केरला में भी जनता के आशीर्वाद से आएंगे, हिंसा के माध्यम से नहीं। थैंक यू। Yes, obviously it runs a lot of deep. Therefore, the matter is under investigation. We think the detailed investigation shall be done. Thank you.